हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, किस तरह हमारे ऊपर विरोध किया जा रहा है। हम अग्निपथ कानून का विरोध करते हैं, अग्निपथ कानून वापस लिया जाए जैसा कि आप सब चाहते हैं। नहीं, ये नहीं होने देंगे, हम युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। अग्निपथ कानून, ये देखिए लोकतंत्र की हत्या, ये देखिए लोकतंत्र की हत्या, हत्या कर लोकतंत्र की हत्या। युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो अब आप खिलवाड़ी जो है वो नहीं होने देंगे। संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है और जबरन ले लिया जा रहा है। बीजेपी 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 अग्निपथ कानून बताइए। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाजपा जो है वो लोकतंत्र डेमोक्रेसी की दुश्मन बन चुकी है। मुझे एक चीज बताइए, जब संविधान में ये लिखा हुआ है कि कोई भी पीसफुल प्रोटेस्ट, जैसे आपने देखा आज आम आदमी पार्टी की तरफ से हमने 10-15 लोग ही बुलाकर यहाँ पे एक पीसफुल हंगर स्ट्राइक रखी थी। हम एक मैसेज देना चाहते थे कि जिस तरह आपने अग्निपथ स्कीम लाई है, जिस तरह आप हमारे डिफेंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, डिफेंस को कमज़ोर करने की एक साजिश रची जा रही है, वो हम नहीं रचने देंगे। उसी को लेकर आज हम पीसफुल प्रोटेस्ट पे यहाँ बैठे थे, लेकिन अफसोस इस बात का है कि पीछे से पुलिस डिपार्टमेंट को ये डायरेक्शन है कि इनको घसीट कर लिया जाए, इनको बैठने ना दिया जाए। ये मैं पूछना चाहता हूँ, क्या संविधान में जो लिखा है क्या वो खत्म हो गया? क्या संविधान को भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है भाजपा के द्वारा? आखिर जो 4 साल एक ठेके पे आप ठेके पे हमारे डिफेंस को भी देने जा रहे हैं, हम किस तरह बर्दाश्त कर सकते हैं? ये इंटरनेशनल साजिश है, ये इंटरनेशनल साजिश है हमारे डिफेंस को कमज़ोर करने की। ब्रिटेन की तरह यहाँ जम्मू हमारे देश हमारे भारत को भी एक भारत के डिफेंस को कमज़ोर करने की एक साजिश रची जा रही है, जो हम नहीं होने देंगे। आम आदमी पार्टी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी जो है पूरे देश के युवा के साथ खड़ी है, लेकिन साथ ही हम एक युवाओं को भी मैसेज देना चाहते हैं कि कोई भी किसी तरह की कोई तोड़फोड़ ना की जाए। आप एक पीसफुल हंगर स्ट्राइक करके या पीसफुल एक बैठ कर एक मैसेज आप देश तक पहुँचा सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचा सकते हैं। उसी तरह आज हमने पीसफुल एक प्रोटेस्ट करके हंगर स्ट्राइक का हमें पूरी उम्मीदें हैं। जिस तरह हमारे आगे पीछे पुलिस लगा दी गई है, जैसे हम मिलिटेंट हो, हम लोग जम्मू देश के नागरिक ना हो। देखिए, हम एक देश के नागरिक हैं, हम एक पीसफुल तरीके के साथ जो संविधान में लिखा है वो मैसेज देना चाहते हैं कि अग्निपथ कानून को वापस लिया जाए। पर अभी जी बात सवाल करेंगे आपसे कि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल ने साफ तौर पर कह दिया ये पॉलिसी को रोल बैक नहीं किया जाएगा। देखिए, दूसरी तरफ आप देखिए अभी शांति नजर आ रही है युवाओं में भी। देखिए, ये ब्लैकमेलिंग है। आप मुझे एक चीज बताइए, हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि एक ब्लैकमेलिंग करके युवाओं को रोका गया। किस तरह की ब्लैकमेलिंग की बात? आप मुझे एक चीज बताइए, आज तक हिस्ट्री में ऐसा हुआ किसी ने ये कहा कि आप लोग अगर प्रोटेस्ट में शामिल होंगे तो आपको नौकरी नहीं दी जाएगी, आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते? ये ब्लैकमेलिंग नहीं तो क्या है? ये किस तरह डेमोक्रेसी की हत्या है, किस तरह लोकतंत्र की हत्या है? क्या कोई आम इंसान जो है वो पीसफुल प्रोटेस्ट में नहीं बैठ सकता? क्या संविधान में नहीं लिखा? अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते तो बंद कर दीजिए, आप बोल दीजिए कि ये सरकार जो है मौजूदा सरकार ये डेमोक्रेसी की हत्या चाहती है, डेमोक्रेसी खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र खत्म करना चाहती है। जैसे कि आप सब जानते हैं CISF BSF कंट्रेक्चुअल लेक्चरर डेली वेजर आज जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे देश में
पूरे देश में युवा जो है वो रोडों पे है, लेकिन शर्म नहीं आती ऐसी सरकारों को। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा मांगते हैं, हम ये ऐलान करते हैं यहाँ से और एक आपके चैनल के माध्यम से, हम इस्तीफा मांगते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि भाजपा सरकार जो है वो अपोजिशन में रह सकती है लेकिन सरकार में नहीं रह सकती।